गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास कार्यों में लेट लतीफी से परियोजना का वित्तीय बोझ अनावश्यक बढ़ जाता है। यह व्यवस्था कतई स्वीकार नहीं है। विकास कार्यों में पारदर्शिता लाएं, हर काम में ई टेंडरिंग के जरिए हो। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को साफ निर्देश दिए कि समयबद्धता और गुणवत्ता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी परियोजना के लिए कार्यदायी संस्था का चयन करते समय उसकी क्षमता की परख जरूर की जाए। साथ ही कहा कि पीएम आवास, सीएम आवास और शौचालयों को जियो टैगिंग जरूर कराई जाए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश मंगलवार को लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर बस्ती मंडल, बस्ती सिद्धार्थनगर और संतकबीर नगर के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए दिए। भगवान गौतम बुद्ध की क्रीडास्थली कपिलवस्तु में भारत स्वदेश योजना अंतर्गत पर्यटन विकास की परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने जवाबदेह अधिकारियों की तैनाती के निर्देश दिए। वहीं बस्ती में निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट भवन को स्वीकृति के 11 वर्ष बाद भी अधूरा होने पर नाखुशी जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की गुणवत्ता की परख के लिए मुख्यालय से टीम भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयास हो परियोजनाओं के पुनरीक्षित अगणन की जरूरत ना पड़े, भ्रष्टाचार की शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई की जाए, दोषियों से वसूली भी कराई जाए। उन्होंने कहा कि जिले से लेकर शासन स्तर के अधिकारी तय समय सीमा में निर्णय लें, जिस स्तर पर देरी होगी उसकी जवाबदेही तय की जाए, हर काम के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती सुनिश्चित की जाए। बस्ती मंडल में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्धार्थनगर में गौतम बुद्ध की क्रीडा स्थली, संत कबीर नगर में संत कबीर की निर्वाण स्थली और बस्ती में मखौड़ा धाम और 84 कोसी परिक्रमा का क्षेत्र है। इन्हें आधार बनाकर पर्यटन विकास की कार्ययोजना बनाएं और क्रियान्वित करें। शुद्ध पेयजल, अच्छी शिक्षा, हर नागरिक का अधिकार। समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त ने अवगत कराया कि जनपद बस्ती में संचालित अमृत योजना 3 फेज में संचालित की जानी है। प्रथम फेज के अंतर्गत गृह संयोजन एवं वाटर मीटर की स्थापना की जानी है, जिसके अंतर्गत 2440 मीटर सहित गृह संयोजन एवं 2925 वाटर मीटर की स्थापना की गई है। फेज एक का कार्य 100% पूर्ण है। फेज दो के अंतर्गत 455 वाटर मीटर सहित गृह संयोजन, 25 किलोमीटर पाइपलाइन विस्तार एवं 2 नलकूप का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। फेज 3 का कार्य प्रारंभ हो चुका है। बस्ती और सिद्धार्थनगर में स्थापित हो रहे मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की स्थिति से अवगत होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसी को स्वास्थ्य और शिक्षा की सुलभ सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयासों के दृष्टिगत यह परियोजना महत्वपूर्ण है। शुद्ध पेयजल, अच्छी शिक्षा, हर नागरिक का अधिकार है, इन्हें तत्परता से पूर्ण कराया जाए। मुख्यमंत्री ने जनपद संत कबीर नगर में एक राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। नए पेराई सत्र से पहले गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करें। गन्ना किसानों के बकाए की स्थिति से अवगत होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी मिल अठदमा रुधौली में बकाए की भुगतान की समस्या समाधान के लिए अपर मुख्य सचिव गन्ना विकास को प्रकरण के समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए पेराई सत्र से पहले गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। हर ब्लॉक से एफपीओ और गोदाम के लिए भेजे प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के करोड़ों किसानों की खुशहाली हमारी प्रतिबद्धता है। केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार इस बाबत प्रयासरत रहे। कृषि क्षेत्र की बुनियादी संरचना की बेहतरी के लिए बहुत से काम हो रहे हैं। स्थानीय अधिकारी जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर हर ब्लॉक के लिए एफपीओ, फार्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन और गोदाम बनाने के लिए प्रस्ताव भेजे। इनसे स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके सृजित होंगे। भंडारण संबंधी क्षति रुकेगी। भंडारित अनाज को किसान अपनी मर्जी से बेहतर भाव पर बेचकर खुशहाल होंगे। बस्ती मंडल कृषि प्रधान क्षेत्र है, ऐसे में इन योजनाओं की उपयोगिता वहां के लिए और अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज के तहत बैंकों के समन्वय स्थापित कर प्रवासी श्रमिकों, पटरी व्यवसायियों सहित अन्य लोगों को आवश्यक वित्तीय सहायता दिलाई जाए। उन्होंने बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर जनपदों में ग्राम सचिवालय और सामुदायिक शौचालय के निर्माण को तीव्रता देने के निर्देश दिए। साथ ही मनरेगा के माध्यम से तालाबों का जीर्णोद्धार कराने के भी निर्देश दिए। सिद्धार्थनगर के प्रसिद्ध काला नमक चावल को जीरो बजट की खेती से जोड़ने और उत्पाद जैविक है या नहीं इसके लिए स्थानीय स्तर पर लैब स्थापित किए जाए। थाना दिवस संपूर्ण समाधान को सफल बनाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक COVID-19 की कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक बचाव और जागरूकता का क्रम जारी रखना होगा। कोरोना के इस जंग के साथ प्रदेश की विकास यात्रा सतत जारी रहेगी। धन के अभाव में कोई काम नहीं रुकेगा। थाना दिवस और संपूर्ण समाधान दिवस के आयोजनों
को जन उपयोगी बनाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार, अवैध कब्जे आदि की शिकायतों को त्वरित निस्तारण किया जाए, जहां विवाद की संभावना हो वहां निरोधात्मक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारीगण आवश्यक संवेदनशीलता बरतें। लंबित ना रहे जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं का सुनिश्चित निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। सांसद हरीश त्रिवेदी ने बस्ती में नवीन सड़क परियोजना की मांग की। बस्ती से विधायक दयाराम चौधरी ने बंद हो चुके औद्योगिक इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए विशेष प्रयास की जरूरत बताई। विधायक हरिया अजय सिंह ने विभिन्न सड़क निर्माण परियोजना की मांग रखी। विधायक चंद्र प्रकाश ने स्कूल ब्रिज तैयार करने में स्वयं सहायता समूह की भागीदारी के प्रयास की सराहना के साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र में एक राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना की मांग की। विधायक संजय जायसवाल ने बस्ती में चीफ इंजीनियर की तैनाती की जरूरत बताई तो डुमरियागंज के विधायक राघवेंद्र सिंह ने क्षेत्र में बस स्टैंड की मांग की। समीक्षा बैठक में मौजूद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बंधों की मरम्मत की जरूरत बताई तो स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने ग्रामीण सड़कों की बदहाली की समस्या से अवगत कराया। सांसद जगदम्बिका पाल जी ने बाढ़ और कोविड आपदा के दौरान जनहित में हुए कार्यों की सराहना की। सांसद पाल ने सिद्धार्थ विद्यालय के कपिलवस्तु में स्थापित होने से हो रही व्यवहारिक दिक्कतों के अवगत कराते हुए इसे जिले मुख्यालय पर स्थापित करने की मांग रखी। उन्होंने जनपद में एक बड़ी औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु प्रयास करने का अनुरोध किया। संत कबीर नगर के जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में बस डिपो की मांग प्रमुखता से रखी। मुख्यमंत्री ने जनपदों के प्रभारी मंत्रीगणों को जनपद की मासिक समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। आज की समीक्षा बैठक में संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, राजेंद्र सिंह के अलावा कैबिनेट मंत्री जय प्रताप सिंह और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी की विशिष्ट मौजूदगी भी रही।